हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा टिप्स क्लासेस। एक्स्ट्रा टिप्स क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अलावा हाईकोर्ट ग्रुप डी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, जो आंसर की आने के बाद अब क्या जाने की संभावना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, एग्जाम काफ़ी सिंपल आया था। जिन लोगों ने ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया होगा उन्हें पता है कि कितना सिंपल एग्ज़ाम था। कि लोगों के दोस्तों जिन ने दिया है, जो मेरी जानकारी में है कुछ स्टूडेंट्स, उनके दोस्तों 90 प्लस मार्क्स का वो पेपर करके आए हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जिनने 95 प्लस भी क्रॉस किया हुआ है। तो देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने की चांसेस हैं। दोस्तों, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं दोस्तों, कि ग्रुप डी की जो कट ऑफ है दोस्तों, वो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 85 से 88 के बीच में रहने के ज़्यादा चांसेस हैं, और जो OBC के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए दोस्तों 82 से 85, और जो SC कैटेगरी है दोस्तों वो 80 से 82, और जो ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं दोस्तों उनके लिए 76 से 80। अगर दोस्तों मैं इतनी कट ऑफ रख रहा हूँ, ये तो फिर भी कम है। जिस हिसाब से पेपर करके आए हैं तो उस हिसाब से देखा जाए दोस्तों, कट ऑफ ये पहली वाले जो नंबर आपको दिख रहे हैं, ये तो इसके और इसके बीच में दोस्तों कट ऑफ रहेगी, पर इससे ज़्यादा आप समझिए, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर आप इस रैंक में आ रहे हैं, इसमें लाई कर रहे हैं नंबरों के बीच में, तो मे बी आप लोगों का 100% है कि आप सेकंड पेपर के लिए जाएंगे। जो ऐसे का पेपर होगा आपका, उसके लिए आप 100% क्वालिफाई होंगे। तो अगर आप लोगों के इतने मार्क्स आ रहे हैं, इसके बीच में आ रहे हैं, तो आप अपने आप को सिक्योर जोन में समझें, आप सेफ हैं, और आप अपनी राय जरूर दें हमारे इस वीडियो के बारे में। आपको कैसा लगा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है? अगर आपको भी लगता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतनी जा सकती है, इतनी नहीं जा सकती है, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड या फिर अन्य पेपर हैं उनसे रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, उनकी अगर मैं वीडियो डालता हूँ तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।